नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों, 5 जुलाई 2021 को CBSE की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग उसका खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग उसके गम में हैं, कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या सर्कुलर में था जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, डिटेल डिस्कस करूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। क्या था सर्कुलर में, सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जैसे 2021 में जो एग्जाम होने के लिए थे वो हमने कैंसिल कर दिए बोर्ड्स के, चाहे वो क्लास 10th के हो या 12th के हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी स्वाभाविक है कि वो आएंगी ही आएंगी। ये प्रॉब्लम अब 2022 वाले सेशंस के साथ ना आए, इसके चलते उन्होंने कुछ रूल्स निकाले। उन्होंने क्या किया, जो ईयरली सिस्टम वाला एग्जाम होता था उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या किया, इस बार सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई कर दिया है। यानी जैसे कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही 10th और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है, जिसको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के नाम से जाना जाएगा। सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, और इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एजर्शन रीजंस वाले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और टोटल ये 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जो कि आपका नवंबर से दिसंबर 2021 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें 50% सिलेबस आएगा, मतलब पूरे एंटायर सिलेबस का सिर्फ 50% सिलेबस इसके अंदर कवर किया जाएगा। इसके बाद मार्च और अप्रैल में आएगा सेमेस्टर 2, जिसके अंदर आपको क्या होगा, जो बचा 50% का पोर्शन है उसका एग्जाम लिया जाएगा। ये एग्जाम आपका सब्जेक्टिव बेस्ड भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड भी हो सकता है। इसके अंदर 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, कुछ MCQ क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जैसे बोर्ड्स का पैटर्न होता है, और ये एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा। यानी कुल मिला के आपने ये जाना कि अब जो एग्जाम 2021 के अंदर होंगे वो 2 सेमेस्टर के अंदर होंगे, पहला सेमेस्टर जो कि नवंबर से दिसंबर में लिया जाएगा, और दूसरा सेमेस्टर जो आपका मार्च अप्रैल में लिया जाएगा, जिसका पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। लेकिन CBSE बोर्ड वालों ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर उन्हें लगा, जैसे उन्होंने सेमेस्टर 1 के एग्जाम ले लिए, ठीक है, उसके बाद लगता है फरवरी या मार्च में सिचुएशन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऐसे में वो इस सिस्टम को कैंसिल करके पुराने पैटर्न के ऊपर मूव कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे लिए तो इसका मतलब सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा, जैसे वो 2 घंटे वाला है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो वो अपने पैटर्न को, पुराने वाले पैटर्न को ही फॉलो करते हुए चलेंगे, जिसमें आपका एक बार एग्जाम होगा जो कि सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट के ये डाउट हो रहे हैं कि सर, जो सेमेस्टर 1 के एग्जाम होंगे क्या वो स्कूल के अंदर होंगे? यस, वो आपकी जो स्कूल सेंटर है, रीजनल सेंटर है, उसी में होगा। लेकिन जो सेमेस्टर 2 वाला एग्जाम जो आपका मार्च अप्रैल में होगा, 2 घंटे वाला एग्जाम, वो आपके लिए सेंटर अलॉट करेंगे और वो सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी आप ये मान के मत चलो कि यही आपका है, मान के चलो कि हो सकता है फ्यूचर में अगर सिचुएशन ठीक हो जाए तो ईयरली सिस्टम जैसे चलता था वही सिस्टम आपके लिए हो जाए। अब बात यह है कि आपको अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अभी तक ये था कि मार्च में एग्जाम्स होंगे तो चलो तभी पढ़ लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपके एग्जाम जो है क्योंकि नवंबर दिसंबर में भी होंगे, तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो कुछ ही टाइम के बाद। अभी जैसे ही मेरी इंडियन इकोनॉमी की UPSC एस्पिरेंट्स वाली सीरीज खत्म होगी, मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ इकोनॉमिक्स की नई सीरीज। इसके बावजूद कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, Instagram ID सब कुछ जगहों पर आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर आप मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हो। आई होप कि जो 5 जुलाई को सर्कुलर है इसके रिगार्डिंग आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिर भी कोई दिक्कत है तो जुड़े रहना हमारे साथ कमेंट सेक्शन से, मैं उन सभी बच्चों के कमेंट दूंगा अगर कोई भी दिक्कत होगी तो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।